सदियों से समुद्र मार्ग से हम दुनिया के साथ जुड़े थे। जैसा जावड़ेकर जी बता रहे थे, मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स देश में और खास करके गुजरात में दो साइट ऐसी है, एक धोलावीरा और दूसरा लोथल। 5000 साल पहले हम समुद्र के माध्यम से दूर सुदूर समुद्र के पार के देशों के साथ बिजनेस करते थे। उसमें से कभी ने शायद लोथल देखा होगा, 5000 साल पुराना, दुनिया में कहां भी डॉक आज के दिन में उपलब्ध है तो ये धोलावीरा में है, ये लोथल में है। उसके उस हेरिटेज स्थिति को देखते हुए एक वर्ल्ड क्लास का हेरिटेज कॉम्प्लेक्स वहां हम बनाने जा रहे हैं। आप शायद कोई कच्छ में गए होंगे तो वहां धोलावीरा है। 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का सारा नगर आज वहां मौजूद है। 5000 साल पहले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसी थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसी थी और सिटी प्लानिंग कैसा था, वो आज भी किसी को देखना हो तो ये धोलावीरा में आज भी उपलब्ध है। और धोलावीरा से आपने शायद मोहेंजोदड़ो पिक्चर देखा होगा, उसमें से हड़प्पा से धोलावीरा तक इंडस रिवर के माध्यम से इनलैंड वाटरवेज 5000 साल पहले विद्यमान था। ये सभी इंडियन एंशियंट हिस्ट्री को एक जगह पे हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के माध्यम से उसको वहां बनाना चाहते हैं। और जिस बजट में निर्मला जी ने अनाउंस किया था उसका इम्प्लीमेंटेशन करना हमने शुरू कर दिया है। ये एमओयू के माध्यम से हम पोर्टुगीज के साथ एक एमओयू किया। पोर्टुगीज में वास्को द गामा गैलरी है, उसके म्यूजियम में वास्को द गामा इंडिया में आए थे। एक गैलरी का उसमें से जो अच्छी चीज है, ये चीजों को हम यहाँ हमारे म्यूजियम में ला सके और एक गैलरी बना सके, इस दृष्टि से उसके साथ एक एमओयू हो रहा है।